कि यमुना जी का जब चुनाव प्रचार होता है, जब बीजेपी वाले कहते हैं कि यमुना अगर शुद्ध नहीं हो तो मैं आत्माध्याय कर लेंगे, यमुना में अपनी समाधि बना लेंगे। माने उमा भारती ने शब्द कहा था कि अगर यमुना शुद्ध नहीं तो मैं समाधि बना लूंगी। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए, बोले अगर हम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, यमुना को शुद्ध करेंगे, अगर यमुना शुद्ध नहीं कर पाएंगे तो हमको सत्ता में रहने का हक नहीं है। कहाँ गए वो योगी जी, कहाँ गए वो मोदी जी, कहाँ गए वो श्रीकांत जी, और कहाँ गए यहाँ के वर्तमान में जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं? यहाँ के नागरिकों को और बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को होती है, वो है बंदरों की समस्या। इतने त्रस्त है वृंदावन वासी बंदरों की समस्या से, कोई इसकी अभी तक कोई भी योजना नहीं बनी है। वृंदावन में चुनावी मुद्दे में अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। सरकारें आती हैं नई नई, बदल जाती हैं, नेता लोग चुनाव वोट मांगने आते हैं और वादा करते हैं हम करेंगे, लेकिन करता कोई नहीं है और दिन ब दिन स्थिति गिरती जा रही है यमुना जी की। वहाँ पर निर्माण हुआ था, वहाँ करोड़ों रुपया लगाया, मगर आज यही नहीं मालूम वो घाटों की ईंटें उखड़ करके कहाँ चली गई। योगी जी के कुछ कार्य अच्छे हैं लेकिन कुछ कार्य उनके गलत भी हैं, जिनके लिए मतलब वहाँ तक आवाज उनके तक पहुँच नहीं पाती या लोकल प्रशासन उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर देता है। तो सिलेंडर तो ये थोड़ी है, अभी 1000 रुपए का हो गया है, वो तो शुरू से बढ़ता ही चला रहा है। 400 रुपए का था, 400 रुपए का था, हमारे श्रीमती ईरानी सड़क पर बैठ गई थी। मोदी 400 रुपए का, मोदी सरकार तो 7-8 साल आई, उससे पहले सिलेंडर नहीं बढ़ेगा। अरे शुरू में तो 45 का ही था, वो शुरू में 45 का था जब सिलेंडर शुरू होता, तो बढ़ ही रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर चुनाव से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। उत्तर प्रदेश चुनाव की हर खबर के लिए डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।